तो आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जी आप इस वक्त के आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकल के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफ होगा जी हाँ इस वक्त के आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त के आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो है जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है निकल के आ रहे हैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नई घोषणा की है बीजेपी ने सबसे बड़ी घोषणा की है इस वक्त जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपको बताना चाहता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी है बन चुके हैं और विष्णु देसाई जी के द्वारा विष्णु देसाई सरकार के द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम किए जा रहे हैं जितने भी आप लोगों के लिए घोषणा पत्र हैं जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाता है तो आप सभी को ही बताना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र के छः वादे होंगे पूरे आप सभी से जो जो वादे किए गए थे जो मोदी की गारंटी थी जो मोदी के वादे थे इलेक्शंस के समय चुनाव के समय बहुत से घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए जारी किए गए थे बहुत से प्रेस विज्ञापी जो आप सभी के लिए निकल कर आए थे उन सभी घोषणा पत्रों को उन सभी वादों को पूरा करने के लिए उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है और आप सभी के लिए हर एक कोशिश किए जा रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन्स किए जा रहे हैं जितने भी आप सभी के लिए घोषणा पत्र होते हैं जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखने को आप सभी को जो है मिल पाता है अगर हम बात करें तो किसानों का जो है बैंकों का दो लाख रुपये तक का कर्ज़ा माफ़ी भी देखने को मिल पाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम जो किसान होते हैं छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर किसान होते हैं वो सभी किसान कर्ज के वजह से ही परेशान रहते हैं उन सभी किसानों को यही चीज़ें लगा रहता है कि किस तरह से हमारा बैंक का कर कर्जा छूट हो पाएगा उन सभी किसानों को यही चीज़ लगा रहता है कि किस तरह से हमारा बैंक का लोन जो है छूट हो पाएगा किस तरह से हम अपने बैंक का कर्जा जो है किस तरह से हम अपने बैंक का लोन जो है चुका पाएंगे किस तरह से सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सभी किसान जो है सोचते रहते हैं और वो सभी किसान जो है सोच सोच के जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करता है और ऐसे में अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर जो है आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं जितने भी अपडेट हैं जितने भी घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो है देखने को मिल पाते हैं तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं एक के बाद एक आप सभी के लिए घोषणा पत्र एक के बाद एक आप सभी के लिए प्रेस विज्ञापन एक के बाद एक आप सभी के लिए नोटिफिकेशन अपडेट निकाले जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है फ़ायदा मिल सके तो आप सभी को मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें एक बार जो आप लोगों से बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं ना एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो भी घोषणा पत्र जो भी चीज़ें आप सभी के लिए निकाले जाते हैं मतलब उन सभी वादों को उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार जो है दृढ़ संकल्प के साथ उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय के साथ काम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध रहती है आपको थोड़ा सा पेशेंस आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए आप में थोड़ा सा सब्र होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए हर एक कोशिश किए जाते हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए जाते हैं अब सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं ना जितने भी घोषणा पत्र हो जितने भी मैनिफेस्टो जितने भी चीज़ें निकल कर आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट्स को पता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का सबसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ के किसानों को किसानों के लिए काम तो बीजेपी गवर्नमेंट्स का मेन प्राथमिकता है उनका मेन चीज़ें और कहीं कही ना कहीं जो है आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ही काम किए जा रहे हैं जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं जितने भी घोषणा पत्र हो जितने भी मैनोफेस्टो जो आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा हर एक कोशिश किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर एक प्रयास किए जाते हैं हर एक मेहनत किए जाते हैं जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है फ़ायदा मिल सके जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा जो है लाभ जो है मिल सके क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती है कि बीजेपी सरकार यही चाहती है कि आप सभी के हर एक सपने पूरे हो आप सभी से किया हुआ हर एक वादा जो है पूरा हो और किसानों को बैंकों का दो लाख रुपए तक का भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का सभी बैंकों का कर्जा माफ़ी भी देखने को मिल पाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है मैक्सिमम जो किसान रहते हैं छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो किसान रहते हैं वो अपने कर्ज के वजह से ही परेशान रहते हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान रहते हैं वो कर्ज़ के बोझ तले दबे रहते हैं उन्हें हर एक वक्त यही चीज़ें लगा रहते हैं कि किस तरह से आखिरकार हमारा बैंक का कर्जा छूट हो पाएगा किस तरह से हमारा बैंक का लोन जो है छूट हो पाएगा किस तरह से हम अपने बैंक का कर्जा जो है छूट पाएंगे किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक समय के बाद वो सभी किसान डिप्रेशन में चले जाते हैं उन्हें यही चीज़ें सताता रहते हैं कि किस तरह से लोन माफ़ हो पाएगा किस तरह से कर्जा माफ़ हो पाएगा किस तरह से हम कर्ज़ा को ओवरकम कर सकते हैं किस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो किसान जो है सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उन्हें तो मैं आप सभी को ही बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत या आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह से परेशानी आपको फ़ेस करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की गवर्नमेंट आ चुकी है छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों की सरकार आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र निकाले जाते हैं ना जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जितने भी चीज़ें जितने भी अपडेट जो निकल कर आते हैं वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है देखने को मिल पाता है तो एक के बाद एक आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक के बाद एक आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आप सभी के लिए अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं और जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है देखने को आप सभी को मिल पाता है तो घोषणा पत्र के जो छः वादे हैं तो घोषणा पत्र के छः वादे जो है डेफिनेटली आपके अवश्य रूप से पूरे होने वाले हैं और बीजेपी ने एक बार जो आप लोगों से वादे कर लिए मतलब उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार जो है प्रतिबद्ध रहते हैं आई होप जितनी भी जानकारी जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी सभी अपडेट आप सभी को पसंद आया हो अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर न आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है जी हाँ जितना ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करेंगे वीडियोस को उतने ज़्यादा हर एक लोगों तक वीडियोस जो है पहुंच पाएगा सभी लोगों तक जानकारी मिल पाएगा तो इस वक्त की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट से निकल के आ रहे हैं जो कि अपने आप में ही सबसे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तो छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री जो है विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण काम काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आप सभी के लिए किए जा रहे हैं बेहतर से बेहतर कोशिश बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिल सके तो आप सभी के वादे जरूर पूरे होंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना थैंक यू